गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा राष्ट्रीय पर्व है गणतंत्र दिवस, जिसको कि मैं बहुत ही अच्छे से मनाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। जब मैं वीडियोस नहीं भी बनाती थी ना, तभी भी मैं 26 जनवरी और 15 अगस्त को ट्राई कलर का कुछ ना कुछ नया बनाती थी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ट्राई कलर की पूड़ियाँ। ये देख रहे हैं आप कितनी अच्छी है, और ये हेल्दी और टेस्टी दोनों ही है। तो इनको हमने किस चीज से बनाया है, तो हम चलते हैं फटाफट से रसोई में और देखते हैं ट्राई कलर की पूड़ियाँ। ट्राई कलर की पूड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम दो तैयार करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ट्राई कलर की व्हाइट कलर की जो मैं पूड़ी बनाने वाली हूँ, वो बनाने वाली हूँ ऑनियन से। जो ऑरेंज कलर आएगा वो हमारा टमाटर से आएगा, और जो ग्रीन कलर आएगा वो एकदम ताजी ताजी पालक से आएगा। तो ये हमारे लिए हेल्दी भी रहेंगी और टेस्टी भी रहेंगी, और हम अपने 26 जनवरी के हिसाब से बहुत ही बढ़िया ट्राई कलर का नाश्ता बनाने वाले है ना। तो सबसे पहले मैं ऑनियन को काट कर पीस लेती हूँ। ये देखिए हमारी ऑनियन अच्छे से पिस गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे सिर्फ सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, और थोड़ा सा डालेंगे ऑयल, जिससे कि हमारी जो पूड़ियां बने वो थोड़ी सी खस्ता करारी बने। तो मेरे को डालना है सिर्फ इसमें 4 चम्मच ऑयल, ज्यादा नहीं, बस ये देखिए ना, वो भी छोटी 4 चम्मच। और आटा जो है मेरा, ये मेरा आटा है 200 ग्राम, है ना। और इसमें जो हमने ये पूरी बनाई है प्याज की, ये हम पूरी डाल देंगे, ये देखिए, और इसको अच्छे से मसल मसल कर भून लेंगे। ये देखिए जो हमारी प्याज की प्योरी है, हमने उसी से गूंदा है, देखिए, है ना। बिल्कुल भी पानी की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपको लगता है तो थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी, और ऑलरेडी ये काफी अच्छा सा है। बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आटा हमारा थोड़ा सा गीला हो गया था, थोड़ा सा मैं इसमें आटा और मिक्स कर लेती, जिससे कि ये टाइट से डो बन जाएगा। ये देखिए हमारा ऑनियन वाला डो एकदम रेडी हो गया, एकदम सॉफ्ट सा, है ना। अब हम बनाते हैं टमाटर वाली, है ना। अब हम बना रहे हैं अपनी ऑरेंज कलर वाली पूड़ियां, यानी कि टमाटर की पूड़ी। इसके लिए भी मैंने 200 ग्राम आटा लिया है। इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंगली सॉल्ट, और इसको भी हम अपनी टमाटर की प्यूरी से ही पीसेंगे, है ना। और ये डालूंगी मैं फ्लेक्स, है ना, चिली फ्लेक्स। थोड़ा सा डालूंगी मैं ऑयल, वही 3-4 चम्मच। ये देखिए हमारे टमाटर की प्यूरी बन गई है। इसमें पानी बिल्कुल यूज नहीं करेंगे हम। 200 ग्राम अगर हमारा आटा है तो करीब हमारे 150 ग्राम टमाटर होना चाहिए, है ना। ये देखिए, ये देखिए हमारा ऑरेंज कलर भी तैयार हो गया, इसका भी डो हमारा तैयार हो गया, देखो दिख रहा है ना। अब हम तीसरा डो तैयार करते हैं अपना। तो ये मैंने लिए पालक, ये करीब 100 ग्राम पालक है, इसको भी मैं पीस कर लाती हूँ, ये मत लिए, और इसको कच्चा ही ऐसे पीस लेते हैं। पालक की पूड़ी बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें हरी मिर्च, 4 या 5 हरी मिर्च, जिससे कि हम चटपटी बनाएंगे। और मैं डाल रही हूँ थोड़ा ज्यादा सा अदरक, करीब 3-4 टुकड़े मैंने छोटे छोटे बारीक काट लिए हैं, और वो मैं इसमें डाल देती हूँ, जिससे कि हमारा जो पालक की पूड़ियां हैं वो बहुत ही टेस्टी बने। हम बना रहे हैं तीसरा, यानी कि सबसे अच्छा कलर, यानी कि हरा कलर, शांति का प्रतीक, है ना। देखिए हमको तो कुछ ना कुछ नाश्ते में बनाना ही है, क्यों ना हम कुछ ऐसा कलरफुल बनाएं जो कि हमको लगे कि हम अपना राष्ट्रीय त्योहार मना रहे हैं। तीसरा भी आटा तैयार कर लेते हैं हम। तो इसमें डाल रही हूँ मैं टेस्ट के अकॉर्डिंगली सॉल्ट, और डाल रही हूँ थोड़ा सा एज यूजुअल ऑयल, यानी कि 2-3 चम्मच। ये भी हमारा 200 ग्राम आटा, तीनों ही मैंने 200 ग्राम आटे लिए हैं, और 150 ग्राम इसका मेजरमेंट लिया है। तो हम इसको पालक से अच्छे से गूंद लेंगे, जितना इसमें आएगा उतना ही, है ना। बाकी जो पालक बचेगी उसका भी मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सा एक डिश नया सिखाने वाली हूँ कल। ये हमारा पालक का भी डो तैयार बनके तैयार हो गया है। देखिए तीनों डो हमारे बनके तैयार हो गए, हो गए ना। अब मैं फटाफट से अपने हाथ क्लीन करके आती हूँ, और फिर हम बनाते हैं अपने तिरंगा पूड़ियां। हम बनाते हैं अपने ऑनियन की पूड़ियां, है ना। तो मैं इसके छोटे छोटे लोई बना के रख लेती हूँ, और इसको बेल कर भी रख लेते हैं। तो हमारा ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया है, तो फटाफट से हम अपनी पूड़ियों को बेल लेते हैं और गैस को थोड़ा सा तेज कर देते हैं। देखिए हम अपने चॉपिंग बोर्ड पे अपनी पूड़ियों को बेल लेते हैं, और देखते हैं कि हमारा ऑयल हुआ कि नहीं हुआ, और हम इसमें थोड़ा सा डो डाल के देख लेते हैं, क्योंकि ऑयल को थोड़ा सा अच्छे से गर्म होना चाहिए। और ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, देखिए डो हमारा जो तैर के ऊपर आ गया है ना। सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ ऑनियन की। ये देखिए, आज के पहले आपने ऑनियन की पूड़ियां कभी खाई नहीं होंगी, और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी भी होती है ना।
सर्दियां हैं तो प्याज तो वैसे भी खाना ही चाहिए। जो लोग प्याज नहीं खाते उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये खस्ता करारी पूड़ियां प्याज की हैं। ये देखिए हमारी पूड़ियां सेकने लगी है। इसको हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, इसको बस इतने से सेकना है कि अच्छे से सिक जाए दोनों साइड से, है ना, क्योंकि हमको ये रखना है व्हाइट, इसको हम गोल्डन नहीं करने। देखिए हमारी प्याज की पूड़ियां बनके एकदम खस्ता खस्ता तैयार हो गई है। तो देखिए देखने में भी कितनी खूबसूरत लग रही है ना। और जब ट्राई कलर की पूड़ियां लोग देखेंगे तो अपने आप ही नाश्ते के लिए भूख लगाएगी। ये देखिए, चलिए हमारी ऑरेंज की पूड़ी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम बना रहे हैं अपनी ऑरेंज कलर की पूड़ियां। ऑरेंज कलर की पूड़ियां भी, टमाटर की पूड़ियां भी रेडी हो गई है। देखिए कितनी प्यारी कलर आया है ना, और हेल्दी की हेल्दी और कलरफुल की कलरफुल, क्योंकि सभी को अच्छा लगता है ना कलरफुल खाना और देखना। तो ये देखिए हमारी पालक की पूड़ी भी रेडी है। अब हम इसी में अपनी पालक की पूड़ियों को डाल देते हैं। तो ये भी सेक लेते हैं फटाफट से। देखिए हमारी पालक की पूड़ी भी हो गई है रेडी, हो गई है ना ये। तो हमारी तैयारी पूरी, 26 जनवरी के नाश्ते की तैयारी हमारी पूरी हो गई है। सबको आज सरप्राइज मिलने वाला है, तीन तीन तरह की पूड़ियां, और वो भी हेल्दी और टेस्टी। तो हम फटाफट से इसको भी सेक कर जल्दी से करते हैं प्लेटिंग। यार ये हमारी ट्राई कलर की पूड़ियां, खस्ता करारी पूड़ियां, ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है पालक की पूड़ी, कितनी हेल्दी और कितनी टेस्टी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी कल ब्रेकफास्ट में ट्राई कलर की पूड़ियां बनाइए और खाइए, खिलाइए, और मुझे बताइए कि आपको मेरी पर्सनल रेसिपी कैसी लगती है, क्योंकि ये मेरी अपनी रेसिपी है। आपने इसके पहले प्याज की पूड़ियां कभी नहीं खाई होंगी। पालक की पूड़ियां तो बहुत लोग बनाते हैं, बट टमाटर और प्याज की पूड़ियां बहुत ही कम लोग बनाते हैं, जो कि मैं बनाती हूँ। पालक की पूड़ियां सभी बनाते हैं, तो मैंने इस तीनों का कॉम्बिनेशन दिया और साथ में मैंने सर्व किया इसके बहुत ही बढ़िया से बर्मा बैगन, जो कि इसके स्वाद को और भी बढ़ाएंगे। ये देखिए कितने बढ़िया से बने हैं, और ये बिल्कुल प्याज, बिना प्याज और लहसुन के बनाया है मैंने बहुत ही बढ़िया से। ये देखिए इसको मैं खाकर देखती हूँ, क्योंकि मेरे मुंह में आ रहा है पानी। वाओ,